आज से दिल्ली में चल रहे 37वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। मेले की थीम स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया रखी गई है। महाराष्ट्र के पांडाल में भी काफी स्टार्टअप देखे जा सकते हैं। क्या खास है महाराष्ट्र के पांडाल में, जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। 37वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में महाराष्ट्र का पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप यहां देखते हैं मेरे पीछे एक बिल्कुल इसके मुख्य द्वार पर एक एयरक्राफ्ट बनाया गया है। और क्या खास है इस पंडाल के अंदर, आइए चलते हैं देखते हैं। महाराष्ट्र पवेलियन में भी कई स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं, आप क्या लेकर आए हैं? हमारा एक एंटी एक्सीडेंट डिवाइस, मतलब कोलिजन डिवाइस है, एंटी कोलिजन। सो ये जब अगर कैमरा पे बेस्ड है सब कुछ, कैमरा से ये वीडियोस लेते रहेगा, तो अगर उसको लगता है कि ब्रेक ड्राइवर नहीं मार रहा है, सो ये डिवाइस जो है ये अपने आप ब्रेक मारेगा। पूना से अतुल भी कुछ लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं आप? जी, हम ऐसी इलेक्ट्रिक किट लेके आए हैं, जो आपकी एग्जिस्टिंग कार है उसको हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जिप्सी के लिए एक किट बनाई है, और जिप्सी जो है मैक्सिमम हम सेंचुरीज में यूज़ करते हैं, और सेंचुरी में एक बल्क क्वांटिटी में आप जब अगर जिप्सी यूज़ करते हो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इमिशन होता है, इसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके एनवायरमेंट पर होता है। मेरे पीछे आप ये मल्टी कार पार्किंग देख सकते हैं, ये औरों से कैसे अलग हटकर है इस पर बात करते हैं। स्नेहल, क्या खास है इसमें और कैसे औरों से अलग हटकर है? सर, एक्चुअली ये कार पार्किंग सिस्टम कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है और ये IoT बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, ये अप टू 50 कार्स आप कहीं भी इसको शिफ्ट कर सकते हो। जैसे आज यहाँ प्रोग्राम हो गया प्रगति मैदान में, आप कल अगर कहीं और प्रोग्राम होता है तो आप अप टू 50 कार्स आप वहाँ पर भी लेकर जा सकते हैं। इवन इसमें मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिकल स्क्रू सिस्टम, जिसके थ्रू अगर पावर फेलियर भी होता है तो आप गाड़ियाँ रिट्रीव कर सकते हो। भारत में अब ड्रोन बनाए जा रहे हैं, सचिन जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का ड्रोन है ये? जो ड्रोन है ये मेड इन इंडिया ड्रोन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने देश के लिए, क्योंकि तो आज जो ड्रोन आ रहे हैं जो है इम्पोर्टेड है, वो चाइना से आ रहे हैं या इसराइल से आ रहे हैं या US से आ रहे हैं। तो अपने डिफेंस एप्लीकेशन के लिए ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है कि अपना खुद का ड्रोन बने, ये टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप हो, और ये इसके जो एप्लीकेशंस है ये डिफेंस में है, एग्रीकल्चर में है, स्मार्ट सिटीज़ में है, और बहुत सारे रूरल एप्लीकेशंस है, वुमेन सेफ्टी में ये यूज़ हो सकता है। महाराष्ट्र के पंडाल में एक से बढ़कर एक स्टार्टअप देखने को मिले। अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में घूमने आ रहे हैं तो महाराष्ट्र पवेलियन देखना ना भूलें।